Was it the voice? Was it the fire burning in me? All of the noise turned into quiet. हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कुक विद शारिहा। तो आज मैं लेकर आई हूँ फिर से न्यू रेसिपी, शाही मटन कोफ्ता करी। तो वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करिएगा। यहाँ सबसे पहले मैंने ली है लाल मिर्च, खड़ा नमक, करी पुस्ते का दाना, ज़ीरा, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, लौंग, दालचीनी, जायफल, जायपत्री। इन सबको मैं ग्राइंड कर लूँगी मिक्सर में हल्का सा पानी डाल के। तो यहाँ ये ग्राइंड हो रहा है, मैंने इसको पीस लिया है। अब मैं इसको कीमे में मिक्स कर दूँगी अच्छे से, सब में मिला दूंगी, मिक्स कर दूंगी। यह है भुना हुआ बेसन, इसको भी मैं कीमे के अंदर मिक्स कर दूंगी। फिर सब चीज़ अच्छे से मिक्स करके मिला दूंगी। तो यहाँ मैंने मिक्स कर लिया है अच्छे से। अब यहाँ मैं ले रही हूँ ऑयल, तकरीबन 8 चम्मच। यहाँ मैंने प्याज पीस ली है, इसमें मैं डाल रही हूँ 2 चम्मच लाल मिर्च, 4 चम्मच धनिया पाउडर, आधी चम्मच हल्दी और खड़ा नमक, 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर रही हूँ। अच्छे से मिक्स करके मिला दूँगी, इसकी छोटे छोटे से बॉल तैयार करूँगी। ज़्यादा छोटी नहीं करनी है, मीडियम रखना है। तो देखिए मैंने इस तरह से कुछ मैं सारी तैयार कर लूँगी। यहाँ मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट भी इसमें मिला दिया है। अब मैं इसका बघार लगाऊँगी, मसाला तैयार करूँगी, सब डाल दूँगी। इसके बाद तेज़पत्ता, दालचीनी ऐड कर दूँगी और इसको भूनूँगी अच्छे से। फिर से मैं अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच डाल के भूनूंगी अच्छे से मसाले को। कि हमारा मसाला भुन रहा है। अब मैं इसमें काजू, करी और चिरौंजी ये सब ग्राइंड करके पीस लूँगी अच्छे से। तो ये हमारी कोफ्ते की बॉल जो है वो तैयार हो चुकी हैं। अब इसको मैं मसाले में ऐड कर दूँगी और धीमी आंच में पकने दूंगी। तो यहाँ मैंने सब ऐड कर दी हैं, इसको बस हल्के से चम्मच से चलाना है। इसको मैंने फ्राई नहीं किया है, इसको अच्छे से हल्के से चलाना है। ये मैंने पीस लिया है, ये काजू करी ये सब चीज़ें, तो मैं इसको ऐड कर रही हूँ। अब अच्छे से चलाना है ताकि ये जो हमारी कोफ्ते हैं वो टूटे नहीं बिल्कुल भी, धीमी आंच पर रखना है। बस इसको धीमी आंच में पकाना है ताकि ये जो कोफ्ते की जो बॉल हैं वो अच्छे से गल जाएं। अच्छे से धीरे धीरे से मिक्स करना है ताकि ये बॉल जो है वो टूट ना पाए। देख सकते हैं आप अच्छे से पक रहे हैं, देखने में कितने लजीज लग रहे हैं शाही मटन कोफ्ता करी। तो रेडी है शाही मटन कोफ्ता करी, आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखना और अपना ख्याल रखना। ओके।